हेलो दोस्तों, इजी टू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रेक्टेंगल कितने टाइप का होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली लेक्चर में मैं आपको बताया था कि प्लेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, यूनिट कैसे सेट करते हैं और लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको कोई भी प्लेन सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था। तो प्लेन सेलेक्ट करने के लिए आप जो भी प्लेन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पर राइट क्लिक करें और इस स्केच पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर मेनी टाइप्स का रेक्टेंगल मिलता है। मेनी टाइप्स का रेक्टेंगल देखने के लिए आप रेक्टेंगल के साइड में ये एरो का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस एरो पे क्लिक करें। तो अब देखिए आपके सामने मेनी टाइप्स का रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल, दूसरा है सेंटर रेक्टेंगल, तीसरा है थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, चौथा है थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पांचवा है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल कमांड, इसमें पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है और दूसरे कॉर्नर पे एंड होती है। दूसरा है सेंटर रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक कॉर्नर पे एंड होती है। तीसरा है थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कि कोई स्पेसिफाइड एंगल पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है, तो उस कंडीशन में हम थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और चौथा है थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है वो कोई स्पेसिफाइड एंगल पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हम ये थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो उसमें जो रेक्टेंगल स्टार्ट होगा वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा। और जो पांचवा है वो है पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन इक्वल होता है, इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। पहला हम कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें और कॉर्नर रेक्टेंगल पर क्लिक करें। तो अब आपका कॉर्नर रेक्टेंगल का कमांड एक्टिव हो गया। अब आप वहाँ पर क्लिक करें जहाँ से आप रेक्टेंगल स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी स्केच शुरू करें तो यह ओरिजिन पॉइंट से शुरू करें। तो हम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ होना शुरू हो गया। अब आप इसे कोई भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। और दूसरा वहाँ पर क्लिक करें जहाँ तक आप चाहते हैं। तो हम यहाँ तक चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और स्केच पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करें। अब देखिए आपका कॉर्नर रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें, 100 mm एंटर, 70 mm एंटर, ओके। तो आपका एक कॉर्नर रेक्टेंगल फुल्ली डिफाइन हो गया। उसी तरह आगे देखते हैं सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक करें, ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें। तो अब देखिए ये सेंटर पॉइंट से रेक्टेंगल ड्रॉ होना शुरू हो गया और हम दूसरा कॉर्नर जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ तक ये रेक्टेंगल बन जाएगा। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। अब हम इसे डायमेंशन देंगे
डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें, इसका 150 mm एंटर, 120 mm एंटर। देखिए आपका सेंटर रेक्टेंगल रेडी हो गया और ये स्केच भी फुल्ली डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक करें और 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करें, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब हमें कौन से एंगल पे लेना है, जैसे ये देखिए 30 डिग्री पे, अब चाहें तो इसे ऊपर खींचें या फिर नीचे खींचें, जिस भी डायरेक्शन में आप रेक्टेंगल चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करें और स्केच से बाहर जाएं। तो देखिए अब आपका ये 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए ये 180 mm एंटर, ये 135 mm एंटर। पर देखिए अभी भी ये अंडर डिफाइन है, इसे डिफाइन करने के लिए इसमें एंगल देना होगा। एंगल देने के लिए पहले रेफरेंस लाइन देना पड़ेगा, तो लाइन के कमांड में सेंटर लाइन, ओरिजिन पॉइंट से एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें एंगल देंगे, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 30 डिग्री, एंटर। अब देखिए अब आपका ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये जो रेक्टेंगल है ये 30 डिग्री पे है। नेक्स्ट है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल इस पर क्लिक करेंगे, ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हम दूसरा यहाँ पे क्लिक करेंगे और तीसरा इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और स्केच से बाहर जाइए, ये आपका 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें और ये 400 एंटर। पर अभी भी ये अंडर डिफाइन है, इसे फुल्ली डिफाइन करने के लिए एक हमें डायमेंशन देना पड़ेगा, या ओरिजिन पॉइंट और इस पॉइंट का 170 एंटर। अब देखिए आपका स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, पैरेललोग्राम पे क्लिक करें। अब देखिए हम ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हम जिस भी डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहेंगे रेक्टेंगल, उस डायरेक्शन में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और स्केच से बाहर जाएं। अब इसमें देखिए एक ध्यान देने वाली बात है, इसका जो लेंथ है और जो ये लेंथ है वो दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन का जो लेंथ है वो इक्वल है, उसी तरह विड्थ है, ये भी जो अपोजिट डायरेक्शन का जो विड्थ है ये दोनों इक्वल है, और जो ये एंगल है ये भी इक्वल है। अब इसमें डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें, 135 mm एंटर, 120 mm एंटर। पर देखिए स्केच अभी भी अंडर डिफाइन है, इसे डिफाइन करने के लिए इसमें एंगल देना पड़ेगा। एंगल देने के लिए पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे, एंटर, स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन को और इस लाइन को 30 डिग्री, ओके, इस लाइन और इस लाइन को 60 डिग्री एंटर।
ओके, अब देखिए आपका स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। स्केच से बाहर जाने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे एग्जिट स्केच का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप स्केच मोड से बाहर आ जाएंगे। इसे सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे हम डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं स्केच लेक्चर में, यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे रेक्टेंगल और ECTANGLE रेक्टेंगल और सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा स्केच सेव हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।